बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम की वजह यह है कि पढ़ाने की कसरत के सबब से आपका लक़ब इदरीस हुआ और इल्मे नजूम आपके मौजूदात में से है। वो ज़मीन पर इबादत करते और इनको फरिश्ते आसमान पर ले जाते। अल्लाह ताला फरमाता है, और याद कर किताब में इदरीस को कि वो सच्चा नबी था। हर रोज़ पेरहन सीते थे और हर दम सीने में तस्बीह पढ़ते थे और वो उजरत सिलाई की किसी से ना लेते। एक रोज़ का जिक्र है कि वो अपने काम से फरागत पाकर बैठे थे कि इसी वक्त मालकुल मौत अमरे इलाही से आदमी की सूरत में बनकर मेहमान के तौर पर रात को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर आ पहुँचे। आ हज़रत साइमुल दहर थे। जब शाम होती अफ्तार करते वक्त खाना आपका बहिश्त से आता, जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर बहिश्त में चला जाता। और उस दिन का खाना जब बहिश्त से आया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना इस मुसाफिर को पेश कर दिया। मुसाफिर ने कुछ न खाया, कदम पर कदम रख कर इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इनका ये हाल देखकर मुअत्तजब हुए कि ये कौन शख्स है। जब सुबह हुई तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि ए मुसाफिर, तू मेरे साथ चल, तुझे खुदा की कुदरत सहरा में जाकर दिखाऊं। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकले। जाते जाते एक गेहूं के खेत में जा पहुँचे। हज़रत मालकुल मौत ने कहा, चलो इस खेत से चंद गोशे गेहूं के लेकर हम और तुम मिलकर खाएं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजब है कि तूने गुज़श्ता शब को खाना हलाल ना खाया और अब हराम खाना चाहते हो। फिर वहां से दोनों बुजुर्ग एक दूसरे बाग में जा पहुंचे और वहां भी अंगूर देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का कसद किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुल्क गैर में ये हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगानी बकरी को ज़िबह करके खाना ममनू है। पास इसी तरह 3 रोज़ तक दोनों बाहम गुफ्तगू करते रहे, जबकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि ये कौन शख्स है और बनी आदम में से मालूम नहीं होता। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा के वास्ते ज़ाहिर तो करो कि तुम कौन हो, इसने अर्ज़ किया कि मैं इज़राइल हूँ। तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई, क्या सब मखलूक़ात की जान तुम ही कब्ज़ करते हो? उन्होंने कहा कि हाँ। हज़रत ने फरमाया कि शायद तुम मेरी जान कब्ज़ करने के लिए आए हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुश तबी करने आया हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज 3 दिन से तू मेरे साथ है, इस अरसे में भी तूने किसी की जान कब्ज़ की है? फरिश्ते ने कहा कि कुल जान कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसा है जैसा कि तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रोटी रखी हुई है, यानी जिसकी अजल आती है अल्लाह ताला के हुक्म से मैं हाथ बढ़ा कर इसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ। और बोले, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्ता बरादरी का करूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे साथ रिश्ता बरादरी का तब करूँगा जब तुम मुझे एक दफ़ा तलखी जान की चखा दो, ताकि खौफ और इबरत मुझे ज़्यादा हो और फिर इबादत में अपने खालिक की ज़्यादा करूँ। मालकुल मौत ने कहा कि मैं अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा किसी की जान कब्ज़ नहीं कर सकता हूँ। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की दरगाह में अर्ज़ की तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जान कब्ज़ कर। उन्होंने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जान कब्ज़ कर ली। फिर मालकुल मौत ने खुदा की दरगाह में दुआ मांगी, फिर अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदा किया। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उठकर मालकुल मौत को अपनी गोद में ले लिया। दोनों ने आपस में रिश्ता बरादरी का लगाया। फिर मालकुल मौत ने इनसे पूछा, भाई, तलखी जान कुनी की कैसी थी? वो बोले कि जैसे किसी ज़िंदा जानवर की खाल सर से पाँव तक खींची जाती है। मालकुल मौत ने कहा, ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसा कि मैंने तेरे साथ एहसान किया है ऐसा किसी के साथ नहीं किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझे दोज़ख देखने का शौक़ है, तू मुझको इसके दरवाज़े तक ले चल ताकि इसके देखने से खौफ़े इलाही ज़्यादा हो और फिर मैं इबादत ज़्यादा करूँगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनको फिर दोज़ख के दरवाज़े पर ले गए। फिर उनको बहिश्त के दरवाज़े पर ले गए और उन्होंने बहिश्त के मनाजिर अपनी आँखों से देखे। फिर कहने लगे, ए भाई, मैं तलखी जान की चख चुका हूँ और दोज़ख भी देखी है, मगर मेरा जिगर मारे प्यास के जल गया है। अगर इजाज़त हो तो बहिश्त में जाकर एक प्याला पानी पी लूँ। तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम वहाँ से वापस आने का वादा करो। शदीद प्यास की वजह से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वापस आने का वादा किया कि मैं वापस आ जाऊँगा और अल्लाह के हुक्म से अपनी नालैन दरख्त तूबा के नीचे छोड़कर बहिश्त में दाखिल हो गए, क्योंकि वादा बाहर आने का किया था और नालैन को भी दरख्त तूबा के नीचे छोड़ आए थे। बहिश्त से बाहर निकलकर अपनी नालैन को लेकर बहिश्त में चले गए और जाकर दरख्त पर बैठ गए। कुछ देर के बाद हज़रत मालकुल मौत ने इनको आवाज़ दी कि ए भाई ताखिर मत करो। इसके जवाब में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जीदार को मौत का मज़ा चखना है। अब तो मैं मज़ा जान को निका चख चुका हूँ। और अल्लाह ताला फरमाता है नहीं कोई तुमसे जो ना पहुँचेगा इसमें, सो मैं दोज़ख में भी पहुँच चुका हूँ। और यही अल्लाह ताला फरमाता है ना पहुँचेगी वहाँ इनको कुछ तकलीफ़ और ना ही इनको वहाँ से कोई निकालेगा, यानी जो बहिश्त में गया फिर वो बाहर वापस नहीं आएगा। ऐ भाई मैं अब हरगिज़ बाहर नहीं आऊँगा। दरगाह इलाही से आवाज़ आई ऐ इज़राइल तू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को छोड़कर चला जा, मैंने इनकी तकदीर में यही लिखा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मौत का मज़ा चख कर और दोज़ख भी देख कर जन्नत में जा रहे। तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले बहिश्त हराम है अम्बिया पर जब तक के ख़ातिमुल अम्बिया दाखिल ना हों। बहिश्त में फिर आवाज़ आई ऐ इज़राइल मैं बहिश्त को दरेग नहीं रखता हूँ, क्योंकि अव्वल बहिश्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दाखिल होंगे और बाद में इनकी सब उम्मत। और दूसरा कौल ये है तवाफ़ करने वाले सब तवाफ़ करते रहे बहिश्त में। और अल्लाह ताला ने फरमाया और उठा लिया हमने इसको ऊंचे मकान पर। बस बहिश्त में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तो जा रहे और इनके फर्जंद सब फराग से शबो रोज़ गिरियाजारी में थे। एक रोज़ इब्लीस लईन इनके पास आया और कहा कि तुम मत रोया करो, मैं तुम्हारे बाप की ही एक सूरत बना देता हूँ, तुम इसको शबो रोज़ देखा करो और इसको पूजा करो, इससे तुम्हारा सब दुख दर्द और गम दूर होता रहेगा और तुम सब खुश रहोगे। इब्लीस ने एक ऐसी सूरत बनाई कि इनकी शक्ल में और इसमें कोई फ़र्क ना था, सिर्फ इतना ही फ़र्क था कि यह सूरत बात ना करती थी और वो लोग इस सूरत को पूजा करते थे। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती तमाम आलम में फैल गई। मशरिक से मगरिब तक ये रिवाज जारी रहा, कोई आदमी अल्लाह ताला को ना जानता था, इल्म व अमल इनमें मफकूद था। बाद में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इन पर पैगंबर बनाकर भेजा ताकि इनको हिदायत की राह बता दें। नाजरीन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।